जिन्हें आप अच्छे से जान लेते हो और अपनी जिंदगी में उतार भी लेते हो, ये पक्का श्योर है कि आप भी आने वाले समय में पक्का अमीर हो सकते हो और अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा सकते हो। द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन के नियम आज भी इतने ही इफेक्टिव और कारगर हैं जितने पुराने समय में हुआ करते थे। इस बुक से काफी लोगों को फायदा हुआ है। इस बुक को पढ़ने के बाद और इस बुक के नियमों को सही मायने में अपनी जिंदगी में उतारने के बाद आप भी अपनी लाइफ में कुछ समय बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल चेंज देख सकेंगे। इस बुक में ऐसी बहुत सी चीजें बताई गई हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल पाएंगी, जैसे आखिर पैसे को कैसे कमाएं और पैसों को अपने पास रखने का सही तरीका क्या होता है और अपने पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। ये बुक इतनी इफेक्टिव है जो आपकी डेली लाइफ में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डेट मैनेजमेंट और अपने बचाए हुए पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है, इन सब प्रॉब्लम्स को खूब अच्छे से सॉल्व करना सिखाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी इस चैनल में फर्स्ट विजिट है तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनकी भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो पाए। और हाँ, बेस्ट फाइनेंशियल जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी फाइनेंशियल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे समय से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेसन से। द मैन हु डिजायर्ड गोल, बेनजीर कोबी, ये दोनों ही बेबीलोन के रहने वाले थे और ये दोनों भी गरीब ही थे। इनमें से बेनजीर बहुत बढ़िया रथ बनाने वाला था और बहुत मेहनती भी, और कोबी भी एक बहुत बढ़िया सिंगर था। ये दोनों अपने काम से जितना भी कमाते थे सारा खर्च हो जाता था और इन दोनों के पास कुछ नहीं बचता था। इन दोनों का मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। इन दोनों का पर्स हमेशा ही खाली रहता था और इन दोनों के ऊपर काफी कर्जा भी रहता था। ये दोनों ही पैसों की प्रॉब्लम से काफी परेशान भी रहते थे। तभी ये दोनों आपस में एक बार मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी कोबी को अपने अरकत दोस्त की याद आ जाती है, जो कि बेबीलोन का सबसे धनी आदमियों में से एक होता है। अरकत भी बहुत समय पहले बेनजीर और कोबी जैसा बहुत गरीब था। उन तीनों ने ही एक साथ अपनी पढ़ाई खत्म की थी। उस समय अरकत भी बहुत ज्यादा होशियार नहीं था और ना ही किसी काम में तेज और ना अकलमंद। वो तीनों ही आपस में खेला और घुमा करते थे, लेकिन इन सबके बाद भी वो बेबीलोन का सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। उसी समय कोबी और बेनजीर भी अपने गरीब दोस्तों के साथ अरकत के साथ मिलने प्लान बनाते हैं, जिससे वो भी अमीर बनने का सीक्रेट जान पाएं और अपनी किस्मत बदल पाएं। अब बढ़ते हैं दूसरे लेसन की ओर। द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो अपनी वेल्थ और काइंडनेस के कारण काफी दूर तक फेमस भी था। वो अपनी वेल्थ गरीबों के साथ पूरी दिल के साथ दान करता था और बहुत ज्यादा खर्च भी करता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी अरकत की दौलत कभी भी कम नहीं होती थी, उल्टा और तेजी के साथ ग्रो होती जा रही थी। एक बार बेनजीर कोबी अलकत के आलिशान महल में आए। तब बेनजीर और कोबी ने अलकत से पूछा, जब तुम भी हमारी तरह गरीब थे तब तुमने ऐसा आखिर क्या किया जिससे तुम बेबीलोन के रिचेस्ट पर्सन बन गए? तब अलकत कहता है, अगर तुम लोगों को पैसे में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये हुआ तुम अभी तक दौलत को इकट्ठा करने के सही नियमों को सही से नहीं जानते हो या फिर इन नियमों का पालन नहीं करते हो। अलकत इसी बात पर अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अरकत की अमीर बनने की स्टोरी में। मैंने अपनी शुरुआत बर्तन के काम से की और मैं काफी डिटरमिंड भी था अपने काम में, लेकिन महीनों मेहनत करने के बाद भी अपनी कोई दौलत इकट्ठा नहीं कर पाया। एक दिन अपने काम के सिलसिले में एक मशहूर व्यापारी एल्केमिश मेरे पास आए, जो कि उस समय के बेबीलोन के कई बड़े आदमियों में से एक थे। उसी समय काम के दौरान मैंने पूछा, एल्केमिश, आप बेबीलोन के काफी अमीर आदमी हो, क्या आप मेरे को भी ये सीक्रेट बता सकते हो कि मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ? अगर आप मेरे को ये बताएंगे तो सारी रात मैं आपका काम करूंगा और सुबह तक आपका काम पूरा हो जाएगा। और जैसे ही साहूकार एल्केमिश ने सुना तो वो तुरंत राजी हो गया। फिर क्या था, मैंने सारी रात जगकर उनका काम अच्छे से पूरा कर दिया और उन्होंने भी सुबह अपना वादा पूरा किया। फिर एल्केमिश ने अरकत को दौलत कमाने का पहला सिद्धांत बताया, जो कि इस प्रकार है। पहला सबक, एल्केमिश ने कहा, तुम जितना कमाते हो उसका 10% अपने पास ही रखोगे। मैंने पूछा, लेकिन मैं जितना कमाता हूँ उसे मैं पूरा का पूरा अपने पास ही रखता हूँ। तभी एल्केमिश कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों तुम बेबीलोन में रहकर खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम कपड़े खरीदने के बाद उसके पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने या पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको तो पैसे देते हो लेकिन अपने आप को नहीं। तुम अपने को छोड़कर बाकी सबके लिए मेहनत करते हो और उनके लिए कमाते हो। तब उन्होंने अरकत को समझाते हुए कहा, देखो भाई, तुम जो भी सोने की इनकम बचाते हो उस इनकम को तुम इन्वेस्ट करके अपने लिए और धन कमवा सकते हो, और जैसे ही वो धन तुम्हें रिटर्न दे तब तुम उससे भी और धन कमवा सकते हो।
तुम्हें इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि तुम कितना धन इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उससे कितना रिटर्न आ रहा है, कम या ज्यादा। तुम्हें बिना चिंता करे सिर्फ अपनी इनकम का 10% ही इन्वेस्ट करना होगा। अब आते हैं इस कहानी की समरी में। इस कहानी का पहला सबक तो यह है, अगर तुम सही में दौलतमंद बनना चाहते हो तब तुम्हें अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारी सेविंग और इसके रिटर्न तुम्हारे लिए धन कमाए और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत दे सके, चाहे तुम्हारी इनकम कितनी ही कम क्यों ना हो। तुम्हें अपनी इनकम का 10% से कम नहीं बचाना है। जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाए तुम 10% इन्वेस्टिंग के लिए अलग कर दो, उसके बाद तुम बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाओ। दूसरा सबक, एक साल बाद अल्केमिस्ट अर्कत से दोबारा मिलने आए। उन्होंने पूछा, अर्कत तुमने कितना कमाया, क्या इनकम का 10% सही में तुमने बचाया? और मैंने भी बड़े प्राउड से बताया, हाँ मैं अपनी इनकम का 10% बचाया, इसे ईंट बनाने वाले को एक अजमेर को दे दिया और वह ईंट वाला अजमेर दूर देश से रेयर जेमस्टोन खरीद कर लाएगा और वापिस आने पर उन जेमस्टोन को ज्यादा कीमत पर बेचकर हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये सुनने के बाद अल्केमिस्ट गुस्से में लाल होकर बोला, तुमने जेमस्टोन के बारे में एक ईंट बनाने वाले पर क्यों भरोसा किया? क्या कभी जूते सिलने वाले से खाने बनाने की रेसिपी पूछी जाती है? लो तुम्हारी पूरी रकम ही डूब गई इस बार। अब तुम फिर से एक कोशिश करो। अगर तुम्हें जेमस्टोन के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तो ज्वेलरी वाले के पास ही जाओगे ना। अगर तुम्हें कपड़े की एडवाइस चाहिए होगी तो कपड़े बनाने वाले के पास ही जाओगे। दूसरा सबक, एडवाइस एक ऐसी चीज है जो लोग फ्री में तो देते हैं लेकिन इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। तुमको सिर्फ उनसे ही एडवाइस लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस काम में स्किलफुल हो और उस काम को बढ़िया तरीके से करता हो। जो व्यक्ति अपनी सेविंग के बारे में गलत और अनएक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेता है वो अपनी सेविंग उन लोगों के कारण गंवा देता है। इतना कहकर अल्केमिस्ट वहां से चले जाते हैं। अब आते हैं तीसरे सबक में। एक साल बाद अल्केमिस्ट फिर से वापस आते हैं। हमारी इससे पहली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की की ये बताओ पहले मुझे। तो अर्कद ने उन्हें बताया, मैंने अपनी इनकम का 10% सेव करके उन पैसों को ब्रासशील्ड बनाने वाले को दे दिया ताकि वे उन पैसों का ब्रास खरीद सके और हर 5 मंथ के बाद मुझे ब्याज देता है, यानी कि इंटरेस्ट देता है। अल्केमिस्ट ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, और खुश होते हुए बोलते हैं कि लेकिन तुम उन पैसों का करते क्या हो, यानी जो इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या करते हो? फिर उसने कहा, मैं इससे अच्छी अच्छी चीजें खरीदता हूं और खूब जश्न मनाता हूं। ये बात सुनकर अल्केमिस्ट हंसते हुए कहते हैं, तुम अपनी सेविंग के रिटर्न को खर्च कर रहे हो लेकिन ऐसे में तुम उस रिटर्न से और ज्यादा धन कैसे कमा पाओगे, और तुम उस धन से और भी ज्यादा धन कैसे कमा पाओगे? अब सीक्रेट सुनो, तुम्हें अपने रिटर्न से धन की खूब सारी सेना बनानी है, उसके बाद तुम काफी बेहतरीन जश्न बना सकते हो आसानी से। अब बढ़ते हैं तीसरे सबक की ओर। अपने इन्वेस्टिंग से मिलने वाले इंटरेस्ट को यानी इनकम को खर्च नहीं करना है, उसे दोबारा इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करना है जिससे वो आपके लिए और ज्यादा कमा सकें। कुछ सालों तक ये करना ही होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पास धन की एक सेना तैयार हो जाएगी। 2 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से अर्कत से मिलने आए। उन्होंने अर्कत से पूछा, क्या तुम्हें मनचाही दौलत मिल गई? तो मैंने कहा, उतनी तो नहीं हो पाई, हाँ लेकिन मैंने कुछ संपत्ति तो जरूर जोड़ ली है जो अब मेरे लिए इंटरेस्ट कमाती है। अर्कत कहता है कि मैं अमीर बना क्योंकि मेरे अंदर अमीर बनने का डिजायर और डिटर्मिनेशन था। मैं जो भी काम करता हूँ उसे खत्म ही करता हूँ, चाहे वो काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अर्कत ने अपने गरीब दोस्तों बेनजीर कोबी के साथ उनके दोस्तों को भी यही कदम उठाने की एडवाइस दी। पहली, अपनी इनकम का 10% सेव करें और सेविंग 10% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अपनी बचत या सेविंग का इन्वेस्ट जरूर करें, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट और फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। तीसरा, इंश्योरेंस करवाएं ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपके बाद आपकी फैमिली सेव रहे। चौथा, उन्हीं लोगों से एडवाइस लें जो उस फील्ड में नॉलेज या एक्सपीरियंस रखते हों। पांचवा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही मेहनत और सेविंग को करें, उससे ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा कंजूस ना बने, जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप अपनी लाइफ को इंजॉय जरूर करें। अब आते हैं लेसन नंबर 3 में, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। प्यारे दोस्तों, बेबीलोन एक काफी वेल्दी शहर था। इसका मुख्य कारण यहाँ के रहने वाले लोग थे जो बहुत समझदार थे और इन्होंने भी अमीर बनने के सीक्रेट सीख लिए थे। वो सब काफी बढ़िया और बेहतरीन जिंदगी जीते थे। एक बार वहाँ के सम्राट ऑर्गन को पता चला कि जो लोग अमीर हैं उनको तो अमीर बनने के सीक्रेट पता है लेकिन उन लोगों का क्या जो अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि उन लोगों को तो अमीर बनने के सीक्रेट पता ही नहीं थे।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सही में उन कंप्लीट 10 एसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कंप्लीट वीडियो को देखना ना भूलें, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। इसी के साथ अगर आप बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी स्टार्टअप्स और बिजनेस से लेकर, साथ ही इक्विटी क्या होती है और फंडिंग क्या होती है, कैसे कोई स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है और क्या क्या सीड फंडिंग होती है और किस तरह से फंड रेज किया जाता है। ये सारी नॉलेज आपको उस वीडियो में जाकर देखने को मिलेगी। तो उन दोनों लिंक में जाकर आप वीडियो को देखना ना भूलें और इसी के साथ नीचे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक बड़ी ऐसी अच्छी सी प्यारी सी फाइनेंशियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू देन, लव यू ऑल। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ही समय पहले मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, तो मैक्सिमम जो लोगों की डिमांड थी वो थी फाइनेंस, बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी वीडियो। उसके बाद उन्होंने डिमांड की थी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों, इस तरह की जो वीडियोस हैं, बेसिकली जो स्टार्टअप्स और बिजनेस की स्टडीज रहेंगी, वो मैं अपने पर्सनल चैनल में डील करूंगा, जहां पे आपको सीखने को मिलेंगी काफ़ी सारी बेहतरीन नॉलेज जो आपके कैरियर को एक बहुत बढ़िया स्पाइक देंगी। तो इसमें जो मैं आपका डिस्कस करूंगा, क्या इक्विटी होती है, क्या फंडिंग होती है, क्या सीड फंडिंग होती है और क्या स्टार्टअप्स होते हैं और बेसिकली बिजनेस और स्टार्टअप में आखिर क्या अंतर होता है, आखिर जो स्टार्टअप बबल जो क्रिएट हुआ इंडिया में, इसके क्या लॉसेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो भी अपने जो शायद ही आपको कहीं सीखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहेंगे और जिन करंट स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में सीखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए दोस्तों, स्टार्टअप्स और बिजनेस की केस स्टडी में आपको कुछ जानना है तो उस वाले चैनल से जुड़ सकते हैं जो मेरा एक अपना पर्सनल चैनल है। इसी के साथ आपके साथ थोड़ी होगी गपशप, थोड़ी होगी कॉमेडी, थोड़ी होगी मस्ती। तो नीचे दिए गए पिंड कमेंट सेक्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इक्विटी और स्टार्टअप से जुड़ी हुई ये वाली वीडियो को कंप्लीट देखना ना भूलें। तो मिलते हैं बड़ी ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू देन, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हेल्दी।